तेजस्वी को बोला अपना एक्स, क्या तेजस्वी और करण के बीच हो चुका है ब्रेकअप? आखिर क्या है माजरा, चलिए जानते हैं डिटेल में। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। वेल, अब बात करते हैं बिग बॉस के लाइव फीड की। लाइव फीड में हमने देखा कि यहाँ पर करण और तेजस्वी के बीच में सब कुछ पहले से बेहतर हो चुका है। जैसा कि हमने बीते रात में ही देखा कि शमिता को लेकर दोनों के बीच में काफी झगड़ा हुआ, जहां अपना आपा भी खोते हुए नजर आए। हालांकि बाद में दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया और यहाँ पर लाइव फीड में हमने देखा कि दोनों आपस में बात करते हुए नजर आए। दरअसल यहाँ पर चाय को लेकर बात कर रहे थे और यहाँ पर तेजस्वी ने ये कहा कि मेरी चाय नहीं है, मैं तेरे से शेयर कर लूंगी। लेकिन यहाँ पर करण कुंद्रा ये कहते हुए नजर आए कि ये तेरी ही चाय थी, बस मैंने तेरे लिए अपनी चाय सेक्रीफाइस की है, ये सोच तू। तो यहाँ पर तेजस्वी कहती है कि जब मैं तेरी गर्लफ्रेंड थी तो तूने कभी ये चाय सेक्रीफाइस नहीं किया है, और अब मैं जब तेरी फ्रेंड हूं तो तूने मेरे लिए चाय सेक्रीफाइस किया है, तो तेरे लिए दोस्ती ज्यादा मैटर करती है, तो हम दोस्त बनकर ही रहेंगे। वेल, अब इसी बात पर आगे तेजस्वी कहती है कि आगे टास्क का क्या करना है, आज कौन सा टास्क होने वाला, कैसे गेम प्लान करना है। तो इस पर करण कुंद्रा ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया कि मैं अपने एक्स से टास्क से रिलेटेड डिस्कशन नहीं करता हूं। और यहाँ पर वो उठकर चले जाते हैं, जहां तेजस्वी बुलाने की कोशिश करती है लेकिन करण नहीं आते हैं। वेल, अब इन सभी बातों से साफ है कि आने वाले दिनों में शायद से करण और तेजस्वी अलग अलग हो जाएं, अपना अपना गेम खेलते हुए नजर आएं। हालांकि कुछ भी कहें, है तो बिग बॉस का घर ही, और जहां बिग बॉस के घर में लोगों को प्यार होता है तो वहीं टकरार भी होती है, और वहीं उसी घर के अंदर ब्रेकअप भी हो जाते हैं कई कंटेस्टेंट्स के। वेल, अब ऐसे में देखना ये है कि क्या तेजरन की जो प्यार भरी कहानी है क्या वो टूटती है, या बिग बॉस के घर भी के बाहर भी क्या वो कुछ रंग लाती है या नहीं। क्या कहना है इस पर आपको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिग बॉस सीजन 15 के लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।